इस वेदायन को ही लोग पढ़ना समझना सीख जाए, कोई अतिरिक्त पुस्तक उठाने से तो यही व्यवहारिक हो सकता है, कुछ और मत रखो। इसी कक्षा में वेदायन का पाठ भी सीखा जाए, प्रारंभ में कुछ करते भी थे, थोड़ा और ध्यान दिया जाए, जैसी व्यवस्था धीरे से बना लो। ठीक है जी गुरु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, प्रारंभ करो। ओम। आज से नया सूक्त प्रारंभ हो रहा है, सूक्त 8, मंत्र संख्या 31। ओम उत उत्यम जाते वेदसम देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। मंत्रार्थ, केतवः विद्वान ज्ञानी, उही त्यम तुम, जात वेदसम वेद को उत्पन्न करने वाले, देवम प्रकाशमान, सूर्यम सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को विश्वाय विश्व के लिए दृश्य देखने के लिए उच्च उत्तम वहन्ति बहन करते हैं। भावार्थ, परमात्मा जात वेद हैं, अर्थात वेद तथा ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है, उस देव को केतवः अर्थात ज्ञानी ही वहन करते हैं। सूर्य का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, ऐश्वर्यवान प्रेरक, जात वेद देव सूर्य मूलतः है परमात्मा के ही विशेषण है। इन गुणों को आत्मसात करने वाले उपासक को भी इन विशेषणों से भूषित किया जाता है। धातवादी निरुक्त, अव्यय उनिपात अव्यय त्यम सर्वनाम जात वेदसम जन उत्पन्न होना, उत्पन्न करना विद जानना, देवम दिव प्रकाश करना, अंत करना प्रीति करना, वहन्ति वह वहन करना ले जाना, केतवः किप जानना, दृश्य दृश पश्य देखना, सूर्यम सूर्य ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, चमकना, सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सींचना, सु प्रेरणा करना। ओम। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 31। ओम उत उत्यम जात वेदसम देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। गायत्री मंत्र है। उत उपसर्ग है, है जो पहले सर्ग हमने बताया है, अव्ययों में से कुछ को उपसर्ग के रूप में माना गया है, जो सामान्यतः लौकिक संस्कृत में धातु शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं, उनको उपसर्ग के रूप में अलग परिगणित कर लिया गया है, उनका एक अलग गण एक अलग सूची बना दी गई। वेद में जुड़ना अनिवार्य नहीं है तो हम उन्हें अव्यय कह सकते हैं, उपसर्ग भी कहते हैं, अव्यय भी कह सकते हैं, कोई समस्या। तो उत इसे कहा। अब उपसर्गों का अर्थ जैसा है कि बिल्कुल उस प्रकार से नहीं होता है, जैसे शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि इसका ये अर्थ हुआ कामना इच्छा देव प्रकाशमान आदि, कुछ विशेषता देते हैं उपसर्ग या इस प्रकार के जो निपात कह लीजिए, मैंने आपको बताया था सामान्यतः एक वर्णों के ये निपात हैं, अव्यय के रूप में भी हैं, उपसर्ग के रूप में भी इनका उपयोग हो रहा है। तो उपसर्ग अव्यय निपात मूलता एक ही है, जो बहुत छोटे छोटे हैं, सामान्यता एक वर्ण के हैं, उनको आप चाहे तो सुविधा के लिए निपात कह लें, और उन्हीं में से कुछ उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग हो रहे हैं। इन निपात का बहुत कोई ऐसा शाब्दिक अर्थ नहीं होता, वे केवल किसी बात पर बल देने के लिए, उसे विशेषता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस भाव को समझना आवश्यक है वैदिक भाषा की इस मौलिक व्याकरण को समझने के लिए। जो
समय उन्हें कुछ दूसरे भाव से देखना होता है तो वे अपने व्याकरण में खोजें। हम तो सहज भाव से सामान्य लोगों के लिए बता देते हैं जिससे आपको सुनने समझने में सुविधा हो, इस बात को सरलता से समझ सके। उत ये भी अव्यय निपात है, उ ये भी अव्यय निपात है, त्यम ये त्यम वैदिक रूप है, लौकिक संस्कृत में त्वम होता है, त्यम का प्रयोग सामान्यता नहीं, परंतु वेद में त्यम है, ये तुम के लिए ही आया है, त्वम के लिए ही आया है। जात वेदसम, जात वेद को, जात वेद को समझ लें। जात वेद क्या है? इसको हम इस प्रकार समझें, जो वेद को उत्पन्न करने वाले हैं, तो वेद को उत्पन्न करने वाला हम लोग मानते हैं परमेश्वर है, एक वचन में आया भी है, तो उस एक परमेश्वर से ये वेद उत्पन्न हुआ। यह भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं, मैं पुनः कह रहा हूं, यह भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ तो जात में जन धातु है, उत्पन्न करना, जात का अर्थ उत्पन्न हुआ या उत्पन्न करने वाला कह सकते हैं। वेदसम विद धातु से वेद शब्द बना जिसका अर्थ जानना है, तो वेदसम का अर्थ जानने वाला विद्वान होगा। तो कह सकते हैं जो विद्वानों को उत्पन्न करने वाले हैं, जो विद्वान उत्पन्न हुए हैं, जो विद्वानों को उत्पन्न करने वाले हैं। अब विद्वान उत्पन्न हुए से ये आशय तो नहीं लिया जाना चाहिए, हमारा विचार है कि कोई जन्म से ही विद्वान होगा, ये अंतर तो हो सकता है, कुछ विशेष प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो अल्पायु में ही अन्य की तुलना में बहुत आगे दिखते हैं, विशेष प्रतिभा होती है, परंतु ये कहना कि कोई जन्म से विद्वान होगा और कोई नहीं होगा, तो जन्म से तो ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती है। हाँ, मेधा प्रतिभा का स्तर कभी कभी कुछ विशेष होता है, और उदाहरण हमारे आपके समक्ष आते हैं, तो सभी उस बच्चे के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, कुछ आदर प्यार का भाव भी रखते हैं, होना भी चाहिए। तो जात वेदसम को इसी रूप में समझें, जो वेद को उत्पन्न करने वाले हैं, जो वेद को जानने वाले हैं, जिन्होंने जीवन में स्वाध्याय में वेद को उत्पन्न किया, वेद को अपनाया, स्वाध्याय किया, यही अर्थ हमें उपयुक्त लगता है। से सब लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने तरीके से, ऐसे शब्दों के अनेक भावार्थ किए जा सकते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। कभी भी हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि बस यही एक भावार्थ जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, या किसी अन्य एक विद्वान ने जो कर दिया है वही ठीक है। ऐसे में सबको उन्मुक्त बुद्धि से विचार करना चाहिए और नए नए अर्थों की उद्भावना करनी चाहिए, यही वेद का महत्व है। उत उत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवा, देवम देव को, जात वेदसम और देवम दोनों द्वितीया एक वचन में है, अर्थात एक दूसरे के विशेष विशेषण। जात वेदसम देवम, वह देव जो जात वेदा है, जो वेद को उत्पन्न करने वाला है, उस देव को वहंत वहन करते हैं केतवा, ये केतवा बहुवचन में, जिसको वहन करना है वह तो एक वचन में है, जात वेदसम देवम, वह देव तो एक वचन में है, और जिनको वहन करना है वे केतवा बहुवचन में है। तो ये केतवा समझें, कित धातु का अर्थ जानना है, तो केत का अर्थ भी जानने वाले, जानकारी हो सकता है, तो केतवा का अर्थ विद्वान,
उत उत्यम जात वेद सम देवम वहंत केतवः। ये केतवः जो विद्वान जन है वे जात वेदस देव को वहन करते हैं। यही इस दो चरणों का अर्थ स्पष्ट है। शेष बताया उत उ निपातव्य है, त्यम तुमको या उसको अर्थ कर लें। उस जात वेदस देव को विद्वान वहन करते हैं। बस ये बात यहां महत्वपूर्ण रूप से समझने के लिए है, दृशे विश्वाय सूर्य क्यों वहन करते हैं। दृशे देखने के लिए, दृश धातु का अर्थ देखना, दर्शन आदि हम लोग जानते ही। दृशे देखने के लिए विश्वाय, विश्व के सबके लिए, केवल अपने लिए नहीं, विश्व के सबके देखने के लिए सूर्यम सूर्य को। अब ये सूर्यम भी द्वितीय एक वचन में है, तो इसको भी जादवेशम देवम के साथ पढ़ा जाएगा। ये अन्वय करने का तरीका है, सीखते चले। जात वेदसम देवम सूर्यम, इसका अन्वय एक साथ होगा, अर्थात मुख विशेष माना जाए देव को देवम, तो जात वेदसम और सूर्यम उसके विशेषण हो गए। सूर्यम को मुख माने, विशेष माने, तो जात वेदसम और देवम इस सूर्य के विशेषण कहे जाएंगे। ये सब एक ही बात है, अर्थात जिसकी भी बात हो रही है उसमें ये सभी गुण है। वे जात वेदस है, वह देव है, वह सूर्य है। देव का अर्थ प्रकाशमान, सूर्य का अर्थ, सूर्य भी सु धातु से बनेगा, सु ऐश्वर्य, सु प्रसुभे, सु प्रेरणे। तो सूर्य का क्या अर्थ हुआ, सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक। तो स्पष्ट है ये सारे गुण विशेषण हम परमेश्वर के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। उस जात वेदस देव सूर्य अर्थात परमेश्वर को सबके दिखाने के लिए जो विद्वान जन है वे बहन विद्वान है, विशेष स्वाध्याय चिंतन मनन के द्वारा उस परमेश्वर को जान समझ सकते हैं और जन साधारण को उनकी बोधगम्य भाषा में समझा बता सकते हैं। इस मंत्र का यदि भावार्थ हम ग्रहण करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। ये छोटा सा गायत्री मंत्र हमारे विचार से जहां इसकी चर्चा पूर्ण होती है, तो जो समय हमारे पास है आइए आपके इस नवीन अवधारणा का प्रयोग भी अभी से कर लें। कोमल जी, इसी मंत्र को क्यों ना पढ़ने का प्रयास किया जाए, तो ये दोनों कार्य एक साथ चलते रहें, पढ़ने का तरीका भी हम सीखते रहें और अर्थ भावार्थ भी करते रहें। जिस दिन समय मिल जाए उस दिन उस मंत्र को पढ़ना भी हम सीखें। तो पढ़ो भाई, कोमल आप पढ़ लो, बिरसी जी पढ़ लें, जो भी पढ़ लें, कहीं से प्रारंभ करो। आप ईसा पुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी मैं पढ़ना चाह रहा था। तो पढ़िए। ओम उदुत्यम जात वेद सम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। अच्छा पढ़ा आपने। तो हाँ, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो वो ले ले, पाठ कर ले, ये सब आप लोगों को आपस में करते हुए चलना है, सभी उपयोगी है। इससे अवश्य होगा कि मंत्र से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाएं और शेष समय को इसमें उपयोग करें। ईसा पुत्र जी ने अच्छा पढ़ा, आगे और जिसको भी पढ़ना हो पढ़ें। जी गुरु जी, पहले यदि किसी का प्रश्न हो तो वो ले लेते हैं, यदि इस मंत्र को लेकर किसी का प्रश्न हो तो कहिए। स्वामी जी नमस्ते।
जी बताइए। एतवा शब्द जो आया है इसके बारे में थोड़ा सा विकास। देखिए इसमें बहुत आवश्यकता नहीं है, कित धातु है उसका अर्थ है जानना, तो केतवा का अर्थ हो गया विद्वान ज्ञानी, जैसे विद का अर्थ है जानना, उससे विद्वान बन जाता है, विदुह बनता है, विद धातु से विदुह बनता है सुना होगा, तो जैसे विद से विदु बना वैसे कित से केतु भी बन गया, तो उसका अर्थ जानकार विद्वान स्पष्ट है, इसमें और कुछ अधिक की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगती। बताइए कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं उनको। जी हम तो नहीं सुन पा रहे हैं, हरि जी को कोई सुन पा रहा है क्या? जी स्वामी जी आवाज बहुत कट रही है और आ भी नहीं रही है आवाज। कोमल जी आगे बढ़िए फिर। जी किसी अन्य का कोई प्रश्न बोलिए भैया। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये मंत्र जो है संध्योपासना का मंत्र है, बस इतना कहना चाह रहा था। यह मंत्र संध्योपासना का मंत्र है ये कहना उचित नहीं है, ये कह सकते हैं संध्योपासना में यह मंत्र भी लिया गया है, संध्योपासना में इस मंत्र का उपयोग किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यह संध्योपासना का मंत्र नहीं है, यह वेद का मंत्र है और जो हम लोग वेद में जैसे पढ़ रहे हैं। जी स्वामी जी धन्यवाद। तो कोमल जी पाठ ही करें आगे बढ़ाएं, कुछ आएगा तो वो भी देख लेंगे। जी जी गुरु जी मैं करती हूँ, यदि कोई गलती हो तो अवश्य बताइएगा। ओम उत्तम जाते वेदसम देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। उत्तम, ये मंत्र छोटा सा है, सरल है, संयोग से आज ही चर्चा हुई और ये मंत्र आया, ये आप लोग ठीक ही पढ़ रहे हैं। अब यही बार बार पढ़ते समय अभ्यास करते जाए, मुझे नहीं पता यदि आप में से कोई संगीत से जुड़ा हुआ तो ये हम चाहते हैं कि इसकी आप लोग धुन बनाए संगीत में और इसको संगीत में गायन कर सकें, पूरे वेदायन का, वेदायन के कुछ सूक्तों का, कुछ मंत्रों का, तो अच्छा होगा। आपने देखा ना, आप जैसे कुछ बच्चों ने किसी स्तुति श्लोक आदि को अच्छे धुन में ढालकर गाया तो किस तरह से वो कह सकते हैं लोकप्रिय हुआ, खूब चर्चित हुआ, तो क्यों ना हम लोग वेद मंत्रों को इस प्रकार से गायन करें और उसे चर्चित करें, है ना। तो ये संगीत से जुड़े हुए लोग हैं वो गीतों का अपनी काव्यों का धुन बना सकते हैं, तो ये प्रयास करना चाहिए, है ना, प्रकार से पाठ किया जा सकता है, जो भी कर सकें करें। उत्तम जात वेद सम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। जब पाठ का अभ्यास होता जाएगा तो धीरे धीरे कुछ करेगा, संगीत मेरा विषय नहीं है, मैं तो काव्य तक सीमित हूँ, तो जिनका संगीत विषय हो उसे और अच्छा ले जाए, ये मैं कहना चाह रहा था। तो आगे आप लोग जो भी पढ़ना हो बताएं। आगे अन्य साथी करें। ओम पुत उत्याम जात वेदसम वेदम वहन्ति केतवा दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम
पढ़ा है, ये त्यम में ऐसा लगा है कि संभवतः त्या को दीर्घ हो गया है थोड़ा सा, शेष ठीक है, अच्छा है। हाँ हरि जी बताए। जी बोलिए, हरि जी कुछ बोल रहे थे यार। देख लीजिए, किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को पाठ करना है तो बताएं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ा जाए। अब तो जी नंदन जी बोलिए। ओम उत्तम जात वेदसम देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम उद्यम जात वेदसम दृशे विश्वाय सूर्यम्। ठीक है, ये तो काफी कह सकते हैं छोटा सरल मंत्र है और सभी लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। इसी से उत्साह भी बढ़ता है कि पहली बार ये प्रयास किया गया और सभी साथियों ने अच्छा पढ़ा। तो कोमल जी भी इसको गाने का प्रयास करूं क्या? नमस्ते। अवश्य अवश्य, स्वागत। उद्यम जात वेद सम देवम वहन्ति केतवः द्रसे विश्वाय सूर्यम्। जी अच्छा हुआ, ऐसे ही धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा। कुछ गे सूक्त हैं, हिरण गर्भ है, सुसंकल्प है, सुराज सूक्त सभी हैं, इंद्र सूक्त भी है, बहुत से सूक्त हैं जो बिल्कुल गीतात्मक ही हैं, तो उनको इस तरह से गाया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो सभी मंत्र गाए जा सकते हैं, तो देख लीजिए जैसे भी व्यवस्था हो आज की। कुछ और आगे क्या कैसा करना है, कोई प्रश्न है या इसका पाठ गायन होना है या समापन होना है? कोमल जी देख जी, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं अभी भी। स्वामी जी यहाँ एक शब्द आ रहा है जात वेद सम, तो जात तो जन धातु वाला हो गया, उत्पन्न हुआ, वेद सा वेद धातु से हो गया ज्ञान के लिए, जानने के लिए। तो जो समस्त उत्पन्न पदार्थों को जानता है, जानते हुए या जानने वाला, ऐसा कोई अर्थ बनता है इनका? बहुत अच्छा लगा जी आपने, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा अर्थ किया। मैं निश्चित रूप से उन्मुख भाव से आपको बधाई दूंगा कि इस शब्द का ये सबसे अच्छा अर्थ आपने किया है और मुझे लगता है यही इसका मूल अर्थ माना जाना चाहिए। जात वेद सम, जो कुछ भी जन्मा है, उत्पन्न हुआ है, उन सबको जो जानने वाला है वही जात वेद सम है। इससे अच्छा अर्थ इस शब्द का मुझे लगता है और नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर अर्थ आपने सबके समझ प्रस्तुत किया। इस शब्द को कह सकते हैं एक प्रकार से हल कर दिया, अति उत्तम। जात वेद सम अर्थात उत्पन्न हुआ है उस सबको जानने वाला। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। स्वामी जी इसको एक शब्द में सर्वज्ञ भी कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं, वही बात है जी। स्वामी जी तो क्या हम समापन करें? यदि किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। आप समापन ही करो। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्।
ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम खम ब्रह्म ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे इस कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी साथियों को, शुभ रात्रि।